शुक्ला, कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश से किसी स्टेट गवर्नमेंट से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन आए, तो मैम बता दीजिएगा, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। और स्टेट काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ टाइम वैकेंसीज निकाल रही हैं, तो आप कंटिन्यू बने रहिए और चेकआउट करते रहिए कहाँ कहाँ से पीएचडी की वैकेंसीज निकल रही हैं। इस टाइम एडमिशन अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। उसका रीज़न ये है कि पिछले साल जो कोरोना की वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटी सीटें नहीं निकाल पाई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स नहीं ले पाई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू नहीं करा पाई, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। अब सारी यूनिवर्सिटी कंटिन्यूसली सीट्स निकाल रही है, तो इस टाइम अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अयोध्या से पीएचडी के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आप इसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, प्लस फुल टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, क्राइटेरिया दिया है, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन में भी चेक करना है, प्लस आपको टेलीग्राम पे मैं सारे नोटिफिकेशन में वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, और अगर आप पीएचडी में इंटरेस्टेड है तो आपका आराम से एडमिशन हो जाए। चलिए हम बात कर लेते हैं, जो भी पार्ट टाइम के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो भी पार्ट टाइम में पीएचडी करना चाहते हैं, वहाँ यहाँ पे उनको एग्ज़ाम नहीं देना है, उनको यहाँ पे सिर्फ अपना इंटरव्यू देना है और उसके बाद एडमिशन लेना है। लेकिन जो भी फुल टाइम में पीएचडी करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे एग्ज़ाम देना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एग्जेम्पशन कैटेगरी में वो सारे स्टूडेंट आएंगे जिनके पास फेलोशिप है किसी तरह की, यानी कि यूजीसी, नेट, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ वगैरह है, किसी भी तरह की फेलोशिप मिल रही है, वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड हैं। एमफिल वाले यहाँ पे एग्जेम्प्टेड हैं, तो उनको एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, पार्ट टाइम वालों को भी फॉर्म फिल करना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है पार्ट टाइम वाले को एग्ज़ाम नहीं देना है लेकिन फॉर्म फिल करना है। उसी तरह से जेआरएफ वगैरह जो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, उन सबको फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। 55% आपके पीजी में होने चाहिए, प्लस 5% उनको रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी स्टूडेंट रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपको 50% मार्क्स लेके आना है, वहीं 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी को, एससी को, एसटी को। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी को नहीं मिलता है, तो उस चीज़ को देख लीजिएगा। यहाँ पे ओबीसी वाले भी कैंडिडेट जो हैं उनको भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। आपको यहाँ पे अपना चेकआउट कर लीजिएगा कि आपको क्या क्या रिजर्वेशन मिलने वाला है। सारे डेट्स वगैरह मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, सारी डेट्स इन्होंने दी हैं कि एग्ज़ाम कब आए होगा, रिजल्ट कब आएगा एग्ज़ाम का, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, सिलेबस क्या होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस देखिए एनटीए का होगा, उसके बाद इनकी यूनिवर्सिटी का, यानी कि जो भी ये यूनिवर्सिटी है राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी, इनका पीजी का एक बार आप कोर्स सिलेबस चेकआउट कर लीजिएगा, उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम में आपको पता है कि जो दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर रिसर्च मैथोलॉजी का एंड सेकेंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होता है, तो वैसे 50-50% होता है, लेकिन यहाँ पे 70% आपका सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा और 30% आपसे रिसर्च मैथोलॉजी पूछा जाएगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, जो स्टूडेंट को सब्जेक्ट वाले पोर्शन में कोई परेशानी नहीं होती है, तो रिसर्च मैथोलॉजी उनका आराम से निकल जाएगा। तो जिन्हें रिसर्च मैथोलॉजी में थोड़ी बहुत अगर आप नहीं भी तैयारी कर पाते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, आप अपना सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनने वाली है। मेरिट लिस्ट आपके जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसके अकॉर्डिंग बनने वाली है, और जो भी स्टूडेंट नेट, जेआरएफ है या फिर एमफिल है, उनका जो भी स्कोर कार्ड है उसके अकॉर्डिंग बनेगी। स्कोर कार्ड का मार्क्स चेक किए जाएंगे, या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है उसका एग्ज़ाम के मार्क्स चेक किए जाएंगे, प्लस 30% इंटरव्यू का होगा। तो इंटरव्यू में थोड़ी बहुत आप प्रिपरेशन कीजिएगा, इंटरव्यू के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी बना के डाली हैं, तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और किस तरह से आप यहाँ का इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ का ही नहीं, मोस्टली इंटरव्यू से आप क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो भी मैंने बनाया है वो उस तरीके से है कि अगर आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि डेट्स वगैरह इन्होंने सारी चीज़ें अच्छे से दे रखी हैं, कोई भी चेंजेस आता है तो इन्होंने मेंशन किया है कि कोई भी चेंज आएगा तो सब कुछ वेबसाइट पे पता चलेगा, तो वेबसाइट को आप रेगुलर चेकआउट करते रहिएगा, क्योंकि वेबसाइट को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपने किसी फॉर्म को फिलअप किया है। तो अच्छे से सारी चीज़ें पढ़िएगा, नोटिफिकेशन सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इन्होंने सबको समझाई है, एडमिशन लेने से लेके
थीसिस सबमिट होने तक सारी चीज़ें उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से डाली हुई है। मैं भी आपको टेलीग्राम में इसका लिंक दूंगी, प्लस नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, तो आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि टाइम पीरियड के, कि कितने टाइम में आपकी पीएचडी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो जो भी फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट करना चाहते हैं उनको 3 से लेकर 6 साल तक का टाइम दिया जाएगा। वहीं जो पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं उनको 4 साल से लेकर 8 साल तक का टाइम दिया जाएगा। तो ये टाइम ड्यूरेशन होने वाला है, इस टाइम ड्यूरेशन में आपको अपनी पीएचडी करनी होती है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि मैम अगर 3 से 6 साल हो जाता है और हमारी पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पाती है किसी भी रीज़न से, बहुत सारी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उस रीज़न में हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपका 3 से लेकर 6 साल तक के बीच में आपकी पीएचडी सबमिट नहीं होती है तो कुछ एक्स्ट्रा फीस लग जाती है, या फिर कह सकते हैं आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है, और आपको टाइम मिल जाता है और आप अपनी थीसिस सबमिट कर सकते हो। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, तो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। आपका थीसिस अगर आपने काम कर रहे हैं और लास्ट स्टेज चल रहा है और 6 साल कंप्लीट हो गए, तो भी आप अपनी थीसिस को सबमिट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और मेंशन कर देती हूँ कि इन्होंने मेंशन किया है कि पार्ट टाइम पीएचडी वालों को फेलोशिप नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो भी फुल टाइम के स्टूडेंट होंगे उनको ही फेलोशिप मिलेगी। तो अगर आप लोग जो भी लोग मुझसे पूछते हैं कि पार्ट टाइम में फेलोशिप मिलती है या नहीं मिलती है, तो पार्ट टाइम पीएचडी में किसी तरह की किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई फेलोशिप नहीं मिलती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। क्योंकि पार्ट टाइम स्टूडेंट पीएचडी वही करते हैं, पार्ट टाइम पीएचडी वही स्टूडेंट करते हैं जिन जो स्टूडेंट कहीं और इंगेज होते हैं, किसी जॉब में या फिर किसी और वजह से कहीं इंगेज होते हैं, वही पार्ट टाइम करते हैं। जो नॉर्मल घर पे है वो पार्ट टाइम पीएचडी को प्रेफर नहीं करता है, वो फुल टाइम पीएचडी करेगा। तो कहीं पे भी पार्ट टाइम पीएचडी में कोई भी फेलोशिप नहीं मिलती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।